माफ करना कैप्टन, देर हो गई। ये क्या चल रहा है स्वामी, हद हो गई। तुझे प्रैक्टिस ही नहीं मिल रही, ऐसे कितने दिन चलेगा? मैं क्या करूं कैप्टन, ये कम्बक बोर्ड स्कूल ही ऐसा है। तुझे किसने कहा था बोर्ड स्कूल में दाखिल होने को? देख स्वामी, ब्रैडमैन और टेट जैसे महान खिलाड़ी भी रोज 5-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तू अपने आप को उनसे भी महान समझता है क्या? कैप्टन मेरी बात तो सुन, ड्रिल क्लास 5 बजे खत्म होती है, मैं क्या करूं? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। हाँ, तेरे प्रिंसिपल से बोले कि मैच खत्म होने तक तुझे ड्रिल से छुट्टी दे दे। उस राक्षस से बात करूं? उनसे बात करना लड्डू खाना नहीं है कैप्टन, 100 साल तक मुझे सेकंड फॉर्म में रख देगा वो। अच्छा बेटे, प्रिंसिपल से इतना डरता है तू? मैं उनसे बात करूं तो? नहीं कैप्टन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे जाने के बाद मेरा खून कर डालेगा वो। स्वामी तू इतना डरता क्यों है? अगर उसने तुझे मारा तो उसकी खैर नहीं, मेरा गधा बेचारा बहुत दिनों से बेकार पड़ा है। तो तय हुआ स्वामी, पर बहस मत कर, कल मैं तेरे प्रिंसिपल से मिलूंगा। पर राजम। पर वर कुछ नहीं, कल सवेरे तेरे स्कूल के बाहर मुझे मिल, ठीक 9 बजे। कंग्रेचुलेशंस, बड़े नसीब वाले हो बेटे, स्कूल से छुट्टी लेने बुखार का बहाना क्या बनाया, कितने लोग आ गए तुम्हारी तरफदारी करने। वाह वाह वाह। माँ अब मैं ठीक हो गया हूँ, सोचा हूँ कि स्कूल चला जाऊँ। ठीक तो दिख रहे हो, पर अभी तक स्कूल जाने लायक नहीं हो, चलो सो जाओ। नहीं माँ, इतनी पढ़ाई है, अरिथमेटिक की क्लास छूट ना जाए मेरी, मैं अपने किताबें लेकर स्कूल चला जाता हूँ। राजम ये तो अभी तक यही है। कैसा है राजम? बड़ा अच्छा दोस्त है तू, सवेरे से कहाँ था? प्रिंसिपल को मिला? अभी नहीं, तू नहीं आया तो मैं भी नहीं गया उनसे बात करने, आखिर काम तो तेरा ही है।
मनी यहाँ क्या कर रहा है? मनी आज स्कूल नहीं गया है क्या? नहीं। तेरा गधा क्यों साथ लाया? बस यूं ही जरूरत पड़ गई तो। कल तुझे कहा था ना यहाँ मत आ, अपना काम कर। तूने ऐसा कहा था? मुझे याद नहीं, मैं तो अपना ही काम कर रहा था। मैं तुम दोनों के साथ थोड़े आया हूँ, ये रास्ता सारे मालगुड़ी का है। स्वामी तू चिंता मत कर, तू चाहे तो मैं प्रिंसिपल के साथ बात कर लूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। तूने उनके कमरे में कदम भी रखा तो वो पुलिस को बुलाएंगे। मणि तू यहीं ठहर। आ स्वामी। हे भगवान। क्या हुआ? प्रिंसिपल सो रहे हैं। जगा देंगे। नहीं 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 राजम, तुझे उनका स्वभाव मालूम नहीं, वो उठते ही बच्चों को मारने लगते हैं। अच्छा देखते हैं। राजम 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 राजम, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, पर कल देर से मत आना। कभी नहीं। खा कसम। क्यों बाहर कोई दिखाई दे रहा है तू? प्रिंसिपल अभी भी सो रहे हैं। आज उठाई देंगे। नहीं 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 राजम, वो तू राख। चुप, बिल्कुल चुप। चल नहीं। ठहर। नमस्ते सर। तुम दोनों को पढ़ाई नहीं है? मैं आपके स्कूल का नहीं हूँ सर। तो कहाँ से? आसमान से टपके हो? मैं MCC का कैप्टन हूँ, आपके साथ कुछ जरूरी काम है। अच्छा क्या काम है? ये मेरा दोस्त WS स्वामीनाथन है, आपके स्कूल में पढ़ता है, सेकंड फॉर्म सेक्शन सी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं MCC का कैप्टन हूँ। आपसे भी मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई कैप्टन साहब। ये मेरी टीम में खेलता है, अच्छा बॉलर है। अच्छा फास्ट बॉलर हो या स्पिनर? सर काम की बात करो। हाँ करो, अवश्य करो। सर आप इसे कम से कम 4:30 तक घर जाने दे सकेंगे? क्यों सर, जाने देंगे ना? स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, तुम या मैं? प्रिंसिपल तो आप ही हैं सर, पर हमारे अल्बर्ट मिशन स्कूल में 4:30 के बाद 1 मिनट भी रोककर नहीं रखते, हमें ड्रिल से भी छुट्टी मिलती है। कप्तान साहब आपके उस जंगली मिशन स्कूल के बारे में मुझे कोई गुणगान नहीं सुनना, कृपा करके बाहर जाइए। आओ अब ये कौन है, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरा गदा, इससे ये लोगों के सर फोड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता हर कोई ऐरा गैरा मेरे कमरे में क्यों घुस आता है। मैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट का बेटा हूँ। तो अपने पिताजी से पूछो, जिस दिन हमारे स्कूल में दंगा फसाद हुआ वो क्या कर रहे थे, जाओ पूछ कराओ। चल मणि, चल स्वामी, इनसे बात करने में कोई फायदा नहीं, ये है ही पागल। क्या? स्वामी मैच के लिए एक ही हफ्ता रह गया है, जल्दी आया करना। मैं जानता हूँ राजम, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तेरे प्रिंसिपल को बोल दे। नहीं 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 नहीं, उसे भूल जा, तेरी पिछली मुलाकात अभी तक भूला नहीं वो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैच के दिन अगर कोई भी बैट्समैन 5 मिनट से ज्यादा खेला मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। ना मणि बैट दे। ए रुद्रस्वामी पीछे खड़ा रहना, ठीक से फील्डिंग कर। क्या चाहते हो? मैं ठीक से नहीं कह सकता, पर मुझे हुआ है, इस बीमारी से पेट में दर्द होता है ना। मुंह खोलो,
तुम तो अट्टे कट्टे हो स्वामी, मेरी राय में तुम्हें ड्रिल वगैरह कर लेना चाहिए, उन्मत्त प्रलाप अदृश्य हो जाएगा। पर शाम को प्रैक्टिस के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ही, और कोई रास्ता नहीं। मानता हूँ, पर झूठा सर्टिफिकेट देने के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। पता किसे चलेगा डॉक्टर साहब, आप चाहते हैं कि हमारा एमसी से मैच हार जाए? बिल्कुल नहीं। देखो स्वामी, मैं झूठा सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ, तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें जल्दी छोड़ने को कहूँगा। सच्ची? सच्ची। तुम चिंता मत करो, कल सवेरे ही बात कर लूंगा। अरे स्वामी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? स्कूल का क्या हुआ? बुद्धि दिमाग का उपयोग किया मैंने। हमारे डॉक्टर ने प्रिंसिपल को कह दिया है, अगर 4:30 के बाद मैं स्कूल में रहा तो जरूर मर जाऊंगा। क्यों, क्या कहना है स्वामी? सारे मालगुड़ी में तुझसे अकलमंद और कोई नहीं। हाँ स्वामी, तूने तो कमाल कर दिया। चल चल चल, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मुझे तो मैच की बड़ी चिंता लगी है, हार गए तो मैं मर जाऊंगा। तू और तेरी हारने की चिंता, वो बंदर छा वयमी वाले हमें कभी नहीं हरा सकेंगे। ये है चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया, सेनापति, पुरोहित और राजकुमारों का मंत्री परिषद। आइए सर, आइए। तुम उठो, यहां आओ। बेशरम कहीं के दिखाओ अपना चेहरा सारे क्लास को। इन महाशय के पास ड्रिल और स्काउटिंग जैसे तुच्छ विषयों के लिए समय नहीं है, और इसी कारण पिछले सोमवार से हम पर क्लास आने की कृपा भी नहीं कि इन्होंने। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? वो डॉक्टर, डॉक्टर ने आपसे बात नहीं की? कौन डॉक्टर, क्या बात है? कहा था कि आपसे बात करेंगे। पहले में बात मत करो, नहीं तो नंगा करके छड़ी से खबर लूंगा तुम्हारी। सर, डॉक्टर केशवन ने कहा। क्या कहा? कहा कि वो मेरे बारे में आपसे बात करेंगे और ड्रिल वगैरह से एग्जेम्पशन दिलवाएंगे। ड्रिल करोगे तो मर जाओगे, ये भी कहा उन्होंने। अच्छा, इस बार तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्हें लगता है मुझे वही उन्मत्त प्रलाप हो गया है। बोलते जाओ, देखना चाहता हूँ और कितने महान सत्य तुम्हारे जुबान से टपकते हैं। पर सर, मैं समझा कि उन्होंने आपसे बात की होगी, उन्होंने कहा था मुझसे। मुझे अपने ही स्कूल के बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, ये कोई भी रास्ते का कुत्ता नहीं बताएगा, समझे? अच्छा हुआ तुम्हारा सर्जन जनरल यहाँ नहीं आया, आता तो प्यून से कहकर उसका सर चूर चूर करवाता। हाथ लाओ, इतने दिन नहीं आए ना, हर हाथ पर 6 मार हर दिन के लिए। हर हाथ पर 6 मार? अगर तुमने और एक भी क्लास गवाया तो भरे स्कूल में नंगा करके प्यून से तुम्हारी पिटा करवाऊंगा। मुझ पे डीएसपी का रुबाब जता रहे हो? मुझे ना उनके बेटों का डर है, ना उनके पोतों या बाप दादाओं का, समझे? चाहो तो अंग्रेज सरकार से भी शिकायत करो, मुझे कोई परवाह नहीं। हाथ बढ़ाओ। तभी कही गए Ha 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 ha.
ए, तुम्हें बादाम वाली मिठाई चाहिए? उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। अच्छा। सेकेंड फॉर्म ए सेक्शन में जाओ और एम राजम को बुला लाओ। कहना उसके घर से कोई आया है। बुला लाओ और आज न्यू मिठाई मिल जाएगी। हाँ हाँ, सेकेंड फॉर्म ए सेक्शन कहाँ है? फर्स्ट फॉर्म के बाजू में। मैं कभी वहाँ नहीं गया। अभी जाना होगा। वहाँ किसी ने मुझे मारा तो? अगर तुझे काजू की बर्फी चाहिए तो जल्दी बोल, जाएगा या नहीं? अभी बोल। जाऊंगा, तू यहीं ठहर। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? कूद कर इस तरफ आना, तुझे कुछ बताना है। अभी क्लास छोड़कर आया हूँ। होगा, तुझे एक जरूरी बात कहनी है। अच्छा रुक। ए, मेरे काजू की बर्फी। ओ, तुझे तो भूल ही गया था, ये ले पैसे। तूने काजू की बर्फी कहाँ था? खरीद लेना दुकान से। राजम राजम, अब मुझे कोई स्कूल या क्लास नहीं, मुझे डिसमिस कर दिया। मेरा प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया। फिर से? हाँ, वो मुझे मारने निकले थे, मैंने उनके हाथ से डंडा छीनकर फेंक दिया। मैं वहाँ कभी जा नहीं पाऊंगा। कैसा लड़का है तू, जहाँ जाता है कोई ना कोई गड़बड़ करता है, हमेशा हमेशा। गलती मेरी नहीं है, वो डॉक्टर केशव ने ना, वो गद्दार है, उन्होंने मुझे धोखा दिया, प्रिंसिपल से बात ही नहीं की। स्वामी, तुझे अक्ल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कह दिया कि बातचीत कर लूंगा और तूने मान लिया कि बातचीत हो गई। छह। स्वामी, अब तू स्कूल के बिना क्या करेगा? कुछ नहीं, किसी वर्कशॉप में काम कर लूंगा। अब कोई स्कूल तो मुझे लेगा नहीं। पर तेरे पिताजी को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? वो मुझे अकेला छोड़ देंगे। राजम, मेरा टीम में होना इतना जरूरी है क्या? ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बॉलिंग कौन करेगा? देख स्वामी, मैच के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, हमें उन वायमयू वालों को हराना ही चाहिए। कल शनिवार है, सुबह से ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और सुन, आज शाम प्रैक्टिस के लिए जल्दी आना, वैसे भी तुझे करने को कुछ नहीं है। मॉरल साइंस की क्लास है, जाना ही होगा। शाम को जल्दी आना। देखो, मारते रहते हैं। स्कूल से भागूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? नहीं, जोर से मारा मुझे, नहीं चाहिए पढ़ाई, नहीं चाहिए वो गंदा स्कूल। सोने की जगह है। आलसी कहीं का। उठ उठ,
ओ शिवा, ये कहीं मर तो नहीं गया? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ओ चल 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 हले 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 चल चल हले 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 पिताजी 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 आ जाएंगे, सो जाओ। हम्म, सो जाओ। ओह नायर साहब, बच्चा ठीक तो है ना? हाँ, अच्छा किया जो तुम उसे यहाँ ले आए। उसने आपको कुछ बताया? वो कहाँ का है? घर छोड़ के इतने दूर जंगल में क्या कर रहा है? नहीं, अभी कुछ बौखलाया सा है, नींद से उठने के बाद शायद कुछ बता दे। अच्छा अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। गुड मॉर्निंग बेटे, आप कैसे हो? मैं बहुत आभारी हूँ सर, आपने मुझे बचा लिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट। बहुत काम में हो, क्यों? प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वायम्य वालों के साथ मैच है ना, और बोलिंग के लिए राजा मेरे भरोसे पर है, और मुझे प्रैक्टिस किए बहुत दिन हो गए, इसलिए। आज कौन सा दिन है सर? क्यों जानना चाहते हो? बताइए ना सर, मैं जानना चाहता हूँ अब मैच को कितने दिन बचे हैं? आज रविवार है। क्या क्या रविवार? रविवार है आज? नहीं। क्यों, क्या हुआ बेटे? हमारी मैच रविवार को है। रविवार को ना, तो फिक्र मत करो, एक और दिन है, आज शनिवार है। पर अभी आपने कहा रविवार। गलती से कह दिया होगा, वैसे आज शनिवार ही है। चलो चलो प्रैक्टिस करो। पर सर, तुम कहो तो मैं कैलेंडर दिखा दूं। सर आप किसी भी तरह मुझे रविवार को मैदान पर 11 बजे पहुंचा देंगे? जरूर पहुंचा दूंगा बेटे, आज शाम को ही पहुंचा दूंगा। पहले तुम बताओ, तुम किसके बेटे हो और कहाँ रहते हो? जरूर सर, मेरा नाम W. स्वामीनाथन, मेरे पिताजी का नाम W. श्री। एक मिनट सर, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। आज उन पर तीसरी विकेट गिरी है। इसी तरह खेलते रहे तो 20 रन के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुझे 40 और मुझे 40 रन बनाने ही होंगे, नहीं तो बाजा बज जाएगा हमारा। उनके 86 रन हुए ना? हाँ, इतने रन होने कैसे दिए हमने? स्वामी यहाँ होता तो। उस हरामी की बात मत कर, नाम भी मत ले उसका। स्कूल आया और भाग जाने की बात भी नहीं की। तुझे कैसे पता वो भागा है? कुछ तो हुआ होगा। या मैच चल रहा है पिताजी। बस एक मिनट के लिए आओ तो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आओ, मेम्पी हिल्स के फॉरेस्ट ऑफिसर की एक चिट्ठी है, स्वामी मिल गया है। सच्ची? वो ठीक तो है, वहाँ पहुँचा कैसे? पता नहीं, मैं उसके पिताजी के साथ उसे लेने जा रहा हूँ, तुम आओगे? नहीं। अपने दोस्त को मिलना नहीं चाहते क्या? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। राजम, तुझे पता है सोमू ने 6 रन बनाए, अगर ये लोग सिर्फ 50 रन बना ले तो बाकी के हम बना लेंगे। मणि, तुझे पता है अपना स्वामी? क्या स्वामी? क्या वो मिल गया? पता नहीं राजम। राजम अभी तो उसके बारे में कुछ कहने वाला था, बोलना। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। स्वामी, मणि तू सच्ची जिंदा है? चल। मैं कितना परेशान था पता है, मुझे लगा तू मर गया होगा। मुझे भी। स्वामी तू गधा है, हेडमास्टर से डर के भाग क्यों गया? तेरी टांगे तोड़ने का मन कर रहा था मुझे।
मुझसे मिला क्यों नहीं? वक्त नहीं था मणि। राजम को कह तो देता कि तू जा रहा है। राजम को तुझ पर कितना गुस्सा आया पता है? तूने तो एमसीसी का नाम ही खराब कर दिया। खराब कर दिया? क्या कह रहा है मणि? हाँ, वहमी वालों ने हमारी खूब पिटाई की, रन पे रन बना दे गए। तू नहीं था तो उन्हें और कौन करता? पर तुम लोगों ने मैच आज क्यों खेला? आज के दिन खेलना तय किया था इसलिए। पर आज तो शनिवार है। किसने कहा? फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उसे जाके कह दे कि वो उल्लू है, आज तो रविवार है। सच्ची? हाँ। उसने मुझे धोखा दिया। राजा मेरे बारे में क्या कहता है? बहुत कुछ जो मैं अब दोहराना नहीं चाहता। स्वामी एक बात याद रख, वो तुझसे कभी बात नहीं करेगा और उसके सामने तो जाना ही मत, गोली से उड़ा देगा तुझे। मणि मणि तू राजम को समझा देना, मैं इस तरह भागना नहीं चाहता था पर मैं इतना डर गया था। तू उसे बोलना। तू राजम को नहीं जानता, वैसे वो है तो अच्छा पर उसके साथ दोस्ती बनाए रखना आसान नहीं। मुझे देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा, मैं कल ही उसे मिलने जाता हूँ। ठीक है।